हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताहिर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि आप प्लेन गले किस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं कम से कम बुकरम में गले काटने का सही तरीका बताऊंगा। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे मोहम्मद ताहिर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इसे भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बुकरम लेनी है जिसकी चौड़ाई होगी तकरीबन 9 इंच, ठीक है। और ये होती है हमारी बुकरम की एल, यानी कि किसी के पास आप बुकरम खरीदने जाते हैं वो या तो आपको मीटर से नाप के देगा, नहीं तो एल देगा। एल होती है हमारी 52 सेंटीमीटर की, 100 मीटर के हमारा मीटर होता है, तो एल होती है। ये हमारी एल है कटी हुई। उसके बाद दोस्तों, हम किस हिसाब से इसमें कितने गले निकाल पाएंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसमें सिखाऊंगा कि आप हर गले को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बुकरम को इस तरीके से लेंगे। तो आप इस पूरी बुकरम को अच्छी तरीके से ऐसे हाथ लगा के और प्रेस की मदद लेके आप इसे ऐसे कर लें जो कि बिल्कुल सफाई से एक बराबर ये क्रीज बन जाए। फिर दोस्तों, आपको गले निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इधर से देखिए, हम यहाँ से गले निकालेंगे हमेशा। कई लोग होते हैं जो ऊपर से गले निकालते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एकदम सही तरीका जिससे आप कम बुकरम में भी गले आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक निशान हमेशा इतना लगाना है, ठीक है, 1.5 इंच के आसपास। और उसके बाद दोस्तों, आपको अपने गले का ब्रॉड, जैसे मान लीजिए हमारे गले का ब्रॉड हम रखते हैं 3 इंच, तो हम 3 इंच पे पहले निशान लगाएंगे। एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पे नीचे, इसे इंची टेप की मदद से करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद दोस्तों, हमारे गले का जो डीप होगा हम लेके चलेंगे 7.5। सारे गले जो भी हम कटिंग करेंगे 7.5 में कटिंग करेंगे। तो देखिए 7.5 है, तो हम 8 इंच पे इस तरीके से तिरछे में निशान हम लगाएंगे। और लगाने के बाद दोस्तों, जो भी अब आपको शेप देनी है, तो ये हमारा ब्रॉडनेस का हिस्सा होता है, इससे फालतू आप ब्रॉड नहीं करेंगे वरना गला काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे कटिंग करेंगे, तो उससे पहले आपको इतना बड़ा एक चौक लेना होगा, क्योंकि आप छोटे गले में ड्राइंग अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना है, आप देखिए जो भी शेप देना चाहते हैं, पहले आप हल्का हल्का निशान लगा लें उसे इस तरीके से। जब आपको लगे कि हाँ ये गला बिल्कुल ओके है, तो आप इसे अपने चौक से डार्क भी कर लें। और जब दोस्तों बिल्कुल आपका गला इस हिसाब से आ जाए, फिर आपको कुछ नहीं करना, सीधा अपनी कैंची लेनी है। और कैंची लेने के बाद आप इसे कटिंग करेंगे नीचे की तरफ से। कई लोग यहाँ से चलाते हैं कैंची, लेकिन ये इसलिए चलाते हैं हम कभी कभी ऊपर से, कि आपको निशान पे दिखा पाएँ कैसे कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इधर से चलते वक्त थोड़ी दिक्कत होती है कैमरे में दिखाने में, लेकिन अगर आप गला काट रहे हैं तो हमेशा नीचे की तरफ से काटें, तो आपको सबसे ज़्यादा फिनिशिंग से गला कटिंग करना सीख पाएंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से काटना है। और कैसे काटना है, आप ये देखिए हाथ मेरा, ये हाथ और कैंची, तो आपको डिज़ाइन के हिसाब से बुकरम को भी ऐसे करना पड़ता है और अपनी कैंची को भी सेट करना पड़ता है। तो कैंची को आप अपने हिसाब से रखेंगे, यानी कि जो दबाव होगा इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो आप इसको देखिए कटिंग करेंगे और इस हिसाब से आप इसको घुमाते हुए, फिर आप देखिए इसको, ये देखिए दोनों चीज़ मेरी चल रही हैं, वाला हाथ भी और कैंची, ये आदत बन गई है हम, तो कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। और ये देखिए चौक दोस्तों कभी कभी मोटा होता है, तो आप पूरा चौक के ऊपर भी ना जाएं, थोड़ी बहुत सेव आप कटिंग करते वक्त भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो मैंने चौक का निशान लगाया था हल्का फुल्का, उससे अपने हिसाब से सेट भी कराएं। अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा गला कट गया। तो ये इस तरीके से आप गले की शेप दे के कटिंग कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप कम से कम इंची टेप जितनी चौड़ी, यानी कि जितना चौड़ा हमारा ये इंची टेप होता है, इतना चौड़ा आप हमेशा गले का पैटर्न काटेंगे, ठीक है। तो इतना चौड़ा आप गले का पैटर्न काटें। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने गला कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा इस तरीके से हम प्लेन गला कटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कई लोग होते हैं जो यहाँ से इसको काट के फेंक देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप देखिए यहाँ से इसको अपने गले डीप के हिसाब से, हम तो 7.5 गला लेके चलेंगे सब में, आपको अपने गले डीप के हिसाब से ऐसे कटिंग करना है। फिर इंची टेप लेना है या मशीन से सिलाई लगा लें। तो मैं निशान लगा रहा हूँ पहले, ठीक है। निशान लगाने के बाद दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने ब्रॉड का निशान लगाएंगे 3 इंच, और आप इसको देखिए इंची टेप को ऐसे रखें। अब जो यहाँ से ब्रॉडनेस नापेंगे, तो आपको यहाँ वाला हिस्सा ध्यान रखना है, यहाँ पर जितना चौड़ाई है उतनी चौड़ाई आप इस तरीके से रखेंगे। और
इस तरीके से निशान लगा लें। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ये दोनों निशान बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर हल्के टेढ़े हुए तो ये पूरा का पूरा गला आपका खराब हो के कटिंग खराब हो सकती है गले की, ठीक है। फिर आप अपने गले का डीप 7.5 है तो 8 इंच पर निशान लगा लें। अब आप यहाँ पर भी 5 सेव गले के हम इसमें सेव देंगे, देखिए। ये हमारे 5 सेव गले की सेफ हो गई। तो हम इसे कैसे कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें मार्जिन देना है। फिर हम इसे देखिए यहाँ पर कट ऐसे करेंगे, कटिंग ऐसे देने का दोस्तों, हम यहाँ से इसको कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने 5 सेव गला काट दिया, ठीक है। काटने के बाद ये देखिए अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं कि गला कैसे बन के आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपने गले को देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे, हल्का नाखून लगाएंगे, जो भी फालतू निकल रहा है आप बुकरम उसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए आपका बिल्कुल बेहतरीन गला ये कट चुका है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं इसी तरीके से अपनी बुटीक में जो है गले काट के लगाता हूँ, तो हमारी बुकरम जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं होती और करीब इतनी एल में हमारे 6 गले निकल आते हैं। तो आपका ये देखिए इस तरीके से 2 गले आपके निकलेंगे, एंड में जाके आपकी बुकरम बचेगी इतनी, ठीक है, इतनी बुकरम बचेगी। और जब आप इसे 4-5 कर लेंगे, 4-5 L यूज़ कर लेंगे, तो आप इतने इतने में जोड़ लगाने के बाद और आप 2 गले निकाल सकते हैं। तो इतनी इतनी बुकरम आपके बच्चे ना फेंकें, तो उसमें से भी आप गले निकाल सकते हैं जोड़ लगा के। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए 2 गले मैंने आपको दिखा दिए, ये 2 गले हो गए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप हर तरीके की सेप देके जो आपको मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बस ये आपका ध्यान रखना होगा कि आपका गला कितना ब्रॉड है, किस हिसाब से चाहिए। तो आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे मोहम्मद आयल चैनल पर पहले विजिट करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।